ठीक ऐस सुन ऐस वाज सेटल्ड, जब फटिक के वहां जाने की पूरी व्यवस्था हो गई, सेटल बने व्यवस्था कर देना। केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, वह अपने मामा से हर क्षण पूछता रहता था। व्हेन दे वेयर टू स्टार्ट, वे कब चलने वाले हैं। ही वाज ऑन पाइन एंड निडिल, पाइन एंड निडिल माने होता है तैयार रहना। ही वाज पाइन एंड निडिल आर डे लॉन्ग, वह पूरे दिन तैयार रहता था। विथ एक्साइटमेंट माने उत्तेजना के साथ, वह उत्तेजना के साथ पूरे दिन तैयार रहता था। एंड ले अवॉक मोस्ट ऑफ नाइट, और ज्यादा रात वह जाग के बिताता था। ही बिक्विथ्ड टू माखन, बिक्विथ्ड माने होता है सामान दे देना वसीयत में, अपनी वस्तु को दूसरे को हैंड ओवर कर देना। टू माखन, उसने माखन को अपनी वस्तु दे दिया। इन पर पिचुअली, पर पेचुअली माने होता है हमेशा के लिए। हिज फिशिंग राड, फिशिंग राड वही मछली पकड़ने वाली बंसी। उसने माखन को अपन हमेशा के लिए अपनी मछली पकड़ने वाली कटिया भी कह सकते हो। हिज बिग काइट, अपनी बड़ी पतंग दे दिया। एंड हिज मार्बल्स, और कंचा। उसने यानी फटिक ने माखन को अपनी मछली पकड़ने वाली कटिया या बंसी और बड़ी पतंग और कंचा हमेशा के लिए वसीयत में दे दिया। इंडीड एट दिस टाइम, इस बार ऑफ डिपार्चर में प्रस्थान करने का। हिज जेनरोसिटी टुवार्ड्स माखन वाज अनबाउंड, वास्तव में फटिक का प्रस्थान करते समय यानी फटिक का अपने मामा के घर जाते समय माखन के प्रति उसका स्नेह, माखन के प्रति उसका स्नेह या उदारता अनबाउंड असीमित थी। अनबाउंड माना होता है असीमित होना। व्हेन दे रिच्ड कोलकाता, जब वे कोलकाता पहुंचे, जब वे कहां पहुंचे, कोलकाता। व्हेन दे रिच्ड कोलकाता, जब कोलकाता पहुंचे, फटिक मेड एक्वाइंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर फर्स्ट टाइम। फटिक मेड द एक्वाइटेंस माने परिचित होना, जागरूक होना, जानकारी होना। आप हिज आंट, अपनी मामी से फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। जब जो है फटिक जो है कलकत्ता पहुंचा तो उसकी मामी से उसका पहला परिचय हुआ। सी वाज बाय ऑन मीन्स प्लीज, नो मीन्स। सी वाज बाय नो मीन्स प्लीज, वह खुश नहीं थी। विथ दिस अननेसेसरी एडिशन टू हिज फैमिली, सी वाज प्लीज, सी वाज नो प्लीज, सी वाज बाय नो मीन्स प्लीज विथ दिस अननेसेसरी एडिशन टू हिज फैमिली, वह अपने परिवार में इस नए जुड़ाव से खुश नहीं थी। सी फाउंड हर ओन थ्री बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन इल्स, वह अपने सी फाउंड हर ओन थ्री बॉयज, अब वह अपने तीन बच्चों को पाया क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन इल्स, वह अपने तीन बच्चों को बगैर कोई और बच्चा मिलाए अपने इन तीन बच्चों को मैनेज करने, व्यवस्था करने में क्या थी, अपर्याप्त थी, मतलब ज्यादा थे उसके लिए, दुख भरे थे। फिर देख लीजिए, सी फाउंड हर ओन थ्री बॉयज क्वाइट इनफ, वह अपने बच्चों को ज्यादा पाई टू मैनेज माने व्यवस्था करने के लिए, अर्थात वह अपने तीन बच्चों की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी, एक और उसमें मिल गया। एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड, और एक गांव के लड़के को लाना, वो भी क्या है आप 14, 14 साल के, 14 साल के ग्रामीण बच्चे को लाना। इन टू देयर मिड, यानी 14 साल के बच्चे का परिवार में लाना, जो भी टेकिंग एनी वन इलनेस है। वाज ए टेरिबली अपसेटिंग,
14 साल का जो बच्चा होता है वह थोड़ा उसमें सोचने समझने के समझ ही जाएगा, फिर बिगड़ ही जाएगा। वही कह रहा है 14 साल के बच्चे को लाना जो है और दुख भरा था, टेरिबली अपसेट, उसको बहुत परेशानी करने वाला था। विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस, विशंबर को कम से कम दो बार सोचना चाहिए था कमिट मैंने गलती करने, सच एज इंडिग्रेशन, ऐसी मूर्खता भरी, विशंबर को ऐसी मूर्खता भरी गलती करने में के लिए कम से कम दो बार सोचना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर, मनुष्य के व्यवहारिक दुनिया में या व्यवसाय व्यवहारिक दुनिया में, मनुष्य के इन दी ह्यूमन अफेयर मैंने अफेयर में घटना भी होता है दुनिया, इन द वर्ल्ड में संसार, ह्यूमन अफेयर व्यवहारिक दुनिया में, देयर इज नो वर्स न्यूसेंस, देयर इज नो वर्स न्यूसेंस, न्यूसेंस माने होता है बाधा, देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। मनुष्यों की व्यवहारिक दुनिया में 14 वर्ष की अवस्था के लड़के से बढ़कर और कोई दुखदायी प्राणी नहीं होता है। इन द इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर अफेयर देर इज नो वर्स न्यूसेंस, और जो है बाधा पहुंचाने वाला कोई नहीं होता देन ए बॉय ऑफ 14 एज ऑफ 14, 14 वर्ष का एक लड़का, 14 साल का एक लड़का, इससे बड़ी बाधा पहुंचाने वाला और कोई नहीं होता है इस मानव मनुष्यों के व्यवहारिक दुनिया में। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, वह न तो ऑर्नामेंटल माने होता है अच्छा दिखने वाला, दिखने में अच्छा लगना, ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, वह न तो दिखने में अच्छा लगता है ना यूजफुल न तो उपयोगी होता है। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव होता है टू शोवर अफेक्शन ऑन हिम, टू शोवर दिखाना अफेक्शन ऑन हिम, उस पर स्नेह दिखाना भी असंभव होता है ऐसे लिटिल बॉय, छोटे बच्चे की तरह। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, बाधा पहुंचाने वाला या अड़चन पहुंचाने वाला, गेटिंग इन द वे, और वह सदैव बाधा पहुंचाने वाला होता। इफ ही टॉक्स विद द चाइल्ड लिस्ट, माने होता तुतला के बोलना, इफ ही टॉक्स विद द चाइल्ड लिस्ट, यदि वह छोटे बच्चे की तरह तुतला करके बोलता है, ही इज कॉल्ड ए बेबी, बच्चा कहा जाता है। एंड ही एंड इफ ही आंसर्ड इन ग्रोन अप वे, यदि वह बड़ी उम्र के लोगों की तरह जवाब दे देता है, ही इज कॉल्ड इम्पार्टी, असभ्य बोला जाता है। अगर वह जो है बड़ी उम्र के लोगों की तरह जवाब दे देता है तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पार्टीएंट, असभ्य, गंवार। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम, कोई भी उससे बात, इज ए रिसेंट, इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंट, दुखदायी होती है, मतलब क्रोधित हो जाता है, रिसेंट माने होता है बुरा लगना, उसको बुरा लगती है। देन ही इज एट द अन अट्रैक्टिव, देन तब ही इज एट द अट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, तब अनअट्रैक्टिव आकर्षक, वह क्या होता है आकर्षक होता है, अनअट्रैक्टिव है ना, तो जो आकर्षक न लगे, खराब लगे, ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई उम्र वाला। ही ग्रो आउट ऑफ हिज क्लॉथ, ही ग्रो आउट ऑफ हिज क्लॉथ, अपने कपड़ों से बाहर, यानी 14 वर्ष का जो लड़का होता है उसके सभी अंगों में बहुत तेज से विकास होता है, तो वही कह रहा है ही ग्रोज आउट ऑफ हिज, ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ, वह अपने कपड़े से बाहर निकलने लगता है, विथ इंडिसेंट हेस्ट, बहुत असीमित गति से, असीमित गति से, इंडिसेंट माने होता है अशोभनीय भी होता है, ठीक है, वह अशोभनीय रूप से अपने कपड़े से बाहर निकलने लगता है, अर्थात उसके अंगों का विकास होता है। हिज वॉइस ग्रोन हॉर्स, उसकी आवाज जो होती है हॉर्स हो जाती है, रूखी हो जाती है। एंड ब्रीक, टूटी हुई, एंड क्वायर्स, हॉर्स में क्वायर में होता है कांपने, उसकी आवाज कपकपी और टूटी हुई होती है, ठीक है। हिज फ्रेस है, हिज फेस ग्रो सडनली एंगुलर एंड अनसिग्निफाई अनसाइटली,
हिज फेस माने उसका चेहरा एंगुलर क्रोधित हो जाता है और अन साइडली देखने में अच्छा नहीं लगने वाला हो जाता है, अनसाइडली है। इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग, इट इज इजी शॉर्ट कमिंग माने होता है दोष को, इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इट इज इजी या आसान होता है टू एक्सक्यूज में माफ करना द शॉर्ट कमिंग गलतियों को या दोषों को ऑफ अर्ली चाइल्डहुड शुरुआत के बचपना में, बचपन अवस्था की चाइल्डहुड में बचपना की शुरुआती बचपना की छोटी कमियों को माफ करना आसान होता है बट इट इज हार्ड टू टॉलरेंस, लेकिन यह सहना कठिन होता है, लेकिन यह सहना कठिन होता है इवन अनअवॉइडेबल मन स्वाभाविक भूल सी, इवन अनअवॉइडेबल लेस्प इन ए बॉय ऑफ 14, लेकिन 14 साल के बच्चे की स्वाभाविक भूलों को, 14 साल की अनअवॉइडेबल स्वाभाविक भूलों को बॉय ऑफ 14, 14 साल के बच्चे की भूलों को स्वाभाविक भूलों को छोड़ देना आसान नहीं होता है, सहन करना आसान नहीं होता है, टॉलरेट है। द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुल्ली, लड़का दुखदायी हो जाता है, सेल्फ कॉन्शियस स्वयं चेतना से भरा होता है। व्हेन ही टॉक विद एल्डरली पीपुल, जब वह बड़े उम्र के लोगों से बात करता है, ही इज आइदर अनडली फॉरवर्ड, या तो वह बहुत आगे बढ़ जाता है, आर इज सो अनडली साई, या तो बहुत शर्मा जाता है, या तो बहुत आगे बढ़ जाएगा तो लोग गंवार बोलेंगे, या शर्मा जाएगा तो कहेंगे बच्चा ही है। दैट ही अपीयर, जिससे वह महसूस होता है या सामने होता है, उपस्थित होता है, अपीयर माने दिखाई पड़ना, ऑफ हिज एवरी एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के बारे में, ठीक अच्छा लगने लगता है, प्रारंभिक बचपन की कमियां जो भी होती हैं। दैट ही अपीयर्स एसेम्ड ऑफ हिज एवरी एग्जिस्टेंस, और अपने हर अस्तित्व को लेकर के या लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर के बहुत क्या होता है, शर्मिंदा महसूस होता है, या उसको बहुत शर्म आती है, शर्म प्रतीत होती है भी कह सकते हैं।